नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। अशोक गहलोत, राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी, सोनिया गांधी के खासम खास और कुर्सी के लिए तिकड़म करने वाले नेताओं में अग्रणी। गहलोत जब भी बोलते हैं तो उनका इशारा दूर तक होता है, क्योंकि उन्होंने इतनी सियासी पारी खेल ली है कि वे इस मैदान के माहिर खिलाड़ी हो गए हैं। अशोक गहलोत इन दिनों संकट में घिरे हैं। राहुल गांधी की टीम के एक साथी ने, या यूं कहे कि राहुल गांधी के दोस्त ने, गहलोत की कुर्सी को खतरे में डाल दिया है। खबरें हैं कि राहुल के कहने पर कांग्रेस के कुछ नेता पायलट को मनाने में जुटे हैं। प्रियंका को भी इस काम में लगाया गया था, लेकिन पायलट की मांगे ही ऐसी है कि उन्हें कोई मना नहीं पा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ गहलोत चाहते ही नहीं है कि उनकी राह का कांटा बचा रहे। इस बार वो उसे बाहर करने के मूड में है और इसके लिए उन्हें सोनिया गांधी का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। इसलिए गहलोत खुलकर मैदान में आ गए हैं और पायलट के खिलाफ खुलकर बयानबाजी भी कर रहे हैं। एक तरफ पायलट गहलोत के खिलाफ निजी तौर पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन गहलोत ने पायलट को गद्दार साबित करना शुरू कर दिया है। गहलोत ने कल मीडिया से बात करते हुए दो तीन बड़ी बातें कही। पहले तो उन्होंने मीडिया पर अपना गुस्सा उतारा और मीडिया को एक तरफा खबरें दिखाने के लिए कोसा। लेकिन गहलोत साहब को शायद नहीं पता कि मीडिया वही दिखाता है जो होता है, और इस वक्त उनकी वजह से ही कांग्रेस में आग लगी है। यह बात 100% सच है और मीडिया वही दिखा रही है। खैर, गहलोत साहब ने आगे सचिन पायलट के बहाने कहा कि युवाओं की रगड़ाई नहीं हुई है, इनको सब आसानी से मिल गया है, इसलिए ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि अंग्रेजी बोलने और इंग्लिश में बाइट देने और हैंडसम दिखने से कुछ नहीं होता। कोई अच्छा इंग्लिश नहीं बोलना, अच्छी बाइट देना, वो सब कुछ नहीं होता है। अच्छे हैंडसम पर्सन सब कुछ नहीं होता है। इनकी रगड़े नहीं हुई थी, इसलिए तकलीफ होती है। समझ नहीं पा रहे, इनको केंद्रीय मंत्री बन गए, अध्यक्ष बन गए, अगर रगड़ी होती और अच्छा ढंग से काम करते थे। तो सुना आपने, अब आप सोचिए कि गहलोत का बयान किसके लिए है, क्योंकि राहुल गांधी की भी रगड़ाई नहीं हुई है, प्रियंका गांधी की भी रगड़ाई नहीं हुई है, उन्हें भी सब कुछ आसानी से मिल गया है और वे अच्छे से काम भी नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी भी हैंडसम दिखते हैं, अच्छे से अंग्रेजी बोल लेते हैं, अंग्रेजी में बाइट दे देते हैं, तो क्या गहलोत का इशारा गांधी परिवार के इन दो चिरागों पर था, क्योंकि प्रियंका गांधी भी इंग्लिश बोल लेती है, वो भी दिखने में काफी अच्छी है। क्या गहलोत ने एक तीर से दो निशाने साध दिए हैं और पायलट के बहाने राहुल और प्रियंका को भी आईना दिखा दिया है? दरअसल कांग्रेस में ओल्ड वर्सेस न्यू की लड़ाई नई नहीं है। राहुल के अध्यक्ष बनने के बाद से ही सोनिया गैंग ने राहुल की राह में कई रोड़े अटकाए और आखिरकार राहुल को अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा, और उसके बाद उनके साथियों का क्या हश्र हुआ ये सबके सामने है। राहुल ने जिन जिन सूबों में अध्यक्षों को, युवा अध्यक्षों को नियुक्त किया था, उनमें से ज्यादातर आज पार्टी के साथ नहीं है या अध्यक्ष पद पर नहीं है। तो क्या कांग्रेस के ओल्ड गैंग के मेंबर गहलोत ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस में राहुल का युवाओं को आगे लाने का फैसला गलत था और इस वजह से ही पार्टी का ये हाल हुआ है? और अगर ये गहलोत कह रहे हैं तो क्या सोनिया गांधी की इसमें हामी है और क्या सोनिया गांधी इसमें उनके साथ है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।